हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है जीके जीएस का, जेकेपी के लिए, जेकेएसएसबी के लिए, तो चलिए उन्हें स्टार्ट करते। तो जय रही फ्रेंड्स, आपकी जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ है, तो अब हम इसे डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो जय रहा है हमारे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है आपके जेकेपी के लिए, जेकेएसएसबी के लिए, एसएससी के लिए, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बात करी जा रही है, जो इंटरनेशनल योगा डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 जून को, 21 जुलाई को, 23 अप्रैल को, या 21 सितंबर को? तो आपने बताना है इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट जो किया जाता है। तो इंटरनेशनल योगा डे ऑप्शन नंबर ए, जून 21 को इंटरनेशनल योगा डे है जो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम राउंड रोहिन शेड्यूल मींस, राउंड रोहिन शेड्यूल का क्या मतलब था? ए मेमोरी एलोकेशन पॉलिसी, प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी, काइंड ऑफ शेड्यूलिंग, या रिपीटेशन पॉलिसी? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, जो प्रोसेस ऑफ एलोकेशन पॉलिसी आपका हो जाता है। राउंड रोहिन शेड्यूलिंग का मतलब होता है ए प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स प्रैक्टिस पेस्ट्रोल नोमैडिज्म, ठीक है, पेस्ट्रोल नोमैडिज्म कौन सी जो ट्राइब्स है वो रखती है? पाइगाइंस, एस्किमो, बोरो, या मासाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी मासाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कान्हा नेशनल पार्क की सिन, जो कान्हा नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, या आंध्र प्रदेश में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल हो जाती है, तमिलनाडु की चेन्नई, बिहार की पटना, आंध्र प्रदेश की आपकी ईटानगर जो हो जाती है। इंपॉर्टेंट आपकी जो कैपिटल्स हैं, आप भी इन क्वेश्चनों को साथ साथ में लगाते रहे और अपना स्कोर जरूर बताएं। आपके इनमें से जो कितने क्वेश्चंस वो सही हो रहे हैं, आपको इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ होगी वो भी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम का। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां से फ्री आपका सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में भी जरूर पूछिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का जो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री हैज द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। तो हाईएस्ट लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है वो कहाँ पे है? यूएसए, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, या जापान? तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, जापान इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ, हुज आर्मी डिड अलेक्जेंडर द ग्रीक रूलर कन्फ्रंट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर जेलम, किसकी आर्मी जो अलेक्जेंडर ने जो ग्रीक रूलर के कॉन्फ्रेंट में बैंक ऑफ जो रिवर था जेलम में, किसकी वो आर्मी थी? अम्बी की, पोरस की, दनानंदा की, या चंद्रगुप्त मौर्य की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पोरस की जो आर्मी थी वो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द फाइव की इंडिकेटर ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज ऑफ अवर प्लैनेट आर, एंटार्क्टिका, सी आइस, ओशन, रेन, ऑक्सीजन, रेनफॉल, ड्रॉट एंड सी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्कटिक सीज, आइस, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल टेम्परेचर, सी लेवल एंड लैंड आइस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने बताना है, ठीक है। द फाइव की इंडिकेटर ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज ऑफ अवर प्लैनेट वो कौन कौन सा आ जाता है? आर्कटिक सी आइस, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल टेम्परेचर, सी लेवल एंड लैंड आइस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द बिगेस्ट ऑयल स्पिल इन द वर्ल्ड हिस्ट्री टेक प्लेस इन, जो सबसे बड़ा ऑयल स्पिल है वर्ल्ड हिस्ट्री का वो कहाँ पे है? साउथ चाइना में, कैस्पिकन सी में, पर्शियन गल्फ में, या मेडिटेरियन सी में? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, पर्शियन गल्फ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेजिडेंट फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, या सुप्रीम कोर्ट? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है वो कौन है? नबार्ड, आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आरबीआई जो लैंडर है लास्ट रिसोर्ट का। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वेयर डिड चंद्रगुप्त स्पेंड हिज लास्ट डे, कहाँ पे वो अपने चंद्रगुप्ता लास्ट डे स्पेंड किए थे? कांची, थानेश्वर, सर्वांग,
जवान बेले गोला पतली पुत्रा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सरवाने बेलो गोला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। आप भी साथ साथ में लगाएं और अपना स्कोर जरूर बताएं। आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम का। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको कोई डायरेक्ट बात करनी होगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर Hrithik323 पर भी डायरेक्ट मैसेज जो कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैलो कंप्लेक्शन मीडियम स्टैचर ओब्लिक आई विद एन एपिसेंथिक फोल्ड इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, जे किसका फीचर हो जाता है? ऑस्ट्रालोइड्स, मैंगोलोइड, नेगोरोइड, कैनकोसोइड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मैंगोलोइड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट ऑप्शन जो आपका हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। द एरिया रिजर्व फॉर द वेलफेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ इज कॉल्ड, जो एरिया रिजर्व है किसकी वेलफेयर के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए? सेंचुरी, फॉरेस्ट, नेशनल पार्क, बोटानिकल गार्डन। तो 13 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नेशनल पार्क इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाता है। नेशनल पार्क इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, द फेमस एक्टिविस्ट मेधा पार्कर इस एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट, जो मेधा पटाकर थे वो किससे संबंध रखते थे? बेटी पढ़ाओ आंदोलन, प्रिजर्व द वेटलैंड, सेव द टाइगर, या नर्मदा बचाओ आंदोलन? तो ऑप्शन नंबर डी नर्मदा बचाओ आंदोलन से जो एक्टिविस्ट मेधा पटाकर थे वो संबंध रखते थे। नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट इन इंडिया, लिग्नाइट इन इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे लगाया जाता है, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? राजस्थान, तमिलनाडु, केरला, गुजरात। ठीक है, इन चार ऑप्शनों में से आपने बताना है, जो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, तमिलनाडु राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। दिसंबर 1 सेलिब्रेट क्यों, कैसे किया जाता है? यूनिसेफ डे के लिए, एड्स डे के लिए, नेवी डे के लिए और चिल्ड्रन डे के लिए? तो 16 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड एड्स डे जो सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द दिसंबर 1। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू, जो 73वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो किससे संबंध रखती है? फॉरेन एक्सचेंज, पंचायती राज, आरबीआई, या फाइनेंस कमीशन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका जो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। प्रोजेक्ट टाइगर प्रोग्राम वास लॉन्च, जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो कब लॉन्च किया गया था? 1973, 1994, 1971, 1975। तो 18वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1973 प्रोजेक्ट टाइगर जो लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु बिल्ट द पुराना किला, तो पुराना किला इनमें से किसने बनाया हुआ है? बाबर ने, अकबर ने, शेरशाह ने, या औरंगजेब ने? 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शेरशाह ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, जो जिन्होंने पुराना किला बनाया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डील्स विद केसेस रिलेटिंग टू, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल था वो किससे डील करता है? सिविल केसेस से, क्रिमिनल ऑफेंसेस से, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट से, इशू जो रिलेट करते हैं प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ द हिस्टोरिकल मूवमेंट से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने बताना है, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे डील करता है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट से। तो नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, हु वाज फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल आपने बताना है यूएनओ का कौन है? तो ऑप्शन नंबर थ्री ट्रिग्वे लाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज आरटीआई एक्ट एनेक्टेड इन इंडिया, आरटीआई इंडिया में कब एनेक्ट हुआ? 15 अगस्त 2005, 15 मार्च 2005, 15 जुलाई 2005, 15 जून 2005। तो 22 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, 15 जून 2005 को जो आरटीआई था वो इंडिया में जो एनेक्ट किया गया था। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए भारतनाट्यम डांसर, इनमें से बताना है कौन सा भारतनाट्यम जो डांसर है वो नहीं है? सितारा देवी, गीता रामचंद्रन, सोनल मानसिंह, लीला सैमसन? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, सितारा देवी इज नॉट ए भारतनाट्यम डांसर, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका जो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट एक्सपेंशन ऑफ आईएलओ,
राइट एक्सपेंशन आपने बताना है आईएलओ का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन लीगल ऑरिएंटेशन, इंटर स्टेट लॉ फुल और इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो आईएलओ की फुल फॉर्म आपकी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइडर कप इज द फेमस टूर्नामेंट ऑफ, राइडर कप इनमें से किसकी जो फेमस टूर्नामेंट है, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, गोल्फ या क्रिकेट। तो राइडर कप संबंध रखता है ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ से। ये थे फ्रेंड्स आपके आज के 25 क्वेश्चन, आप इनको साथ साथ में लगाएं और अपना स्कोर जरूर बताएं, आपको आंसर की भी इसके साथ दी जाएगी और कंप्लीट पीडीएफ भी आपको इसके साथ मिल जाएगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, अगर कोई डायरेक्ट बात करनी होगी तो इंस्टाग्राम हृतिक 323 पर भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो आज के सेशन में बस इतना ही।